सही गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हो सकता है बहुत अच्छे होंगे। सो ये व्लॉग जो मैंने बिलाश अपलोड किया था उसके जस्ट बाद का है, पार्ट टू। एंड अगर वो वाला व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा सो प्लीज़ जल्दी से एक व्लॉग देखिए, क्योंकि वो वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स पॉट रखे गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। यहाँ पे एक दो हम लोग ने बनवाए थे बहुत ही प्यारे प्यारे से रील, जो कि बहुत ही प्यारी बनी हुई है, जो कि मैंने पोस्ट करी हुई है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। सो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है pooja_angel9488। तो जिन्होंने भी मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ सो वहाँ पे जाइएगा, मुझे फॉलो करिएगा, बिकॉज मैं वहाँ पे ज़्यादातर एक्टिव रहती हूँ एंड जितने भी अपडेट्स होते हैं सो मैं वहीं पे ज़्यादातर मतलब पोस्ट करती हूँ। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये है डेलिया, मीन्स इस फ्लावर का जो नेम है वो डेलिया है। सो ये देख सकते हैं आप, वाइट एंड पिंक इस टाइप में कितना प्यारा सा लग रहा है। एंड ये डार्क बिल्कुल मरून टाइप में बहुत ही प्यारा सा। एंड इस वाले फ्लावर का क्या नेम है एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इस फ्लावर का जो नेम है वो क्या है। आई थिंक ये रोज़ के पैटर्न में ही बहुत ही प्यारा सा है, बट ये रोज़ नहीं है, बट जो भी है बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बड़ा वाला डेलिया है, जो कि ये देख सकते हैं आप बिल्कुल रेड एंड साइड साइड में थोड़ा सा वाइट वाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था। एंड अगर आप इसको मतलब एज अ गजरा अगर आप लगाते हैं ना, सो अगर आप इसका एक फ्लावर लगा लेते हैं ना सो आपका पूरा मतलब बिल्कुल भर जाता है, मतलब हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। सो ये देख सकते हैं आप, ये भी कितना प्यारे इनके जो कलर्स हैं ना वो देखिए आप, कितने प्यारे प्यारे से इनके जो कलर्स हैं वो हैं। एंड इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स थे एंड कैक्टस वगैरह भी थे, जो कि मैं आई थिंक वो लास्ट व्लॉग में है सो आप जाके देखिएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। एग्जैक्टली मतलब जितने भी सारे फ्लावर्स हैं उसके नेम तो मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली नेम, मुझे भी नहीं पता है, बट ये सब जो हैं ये सारे डेलिया हैं। एंड जो कुछ भी न्यू था उसका नेम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, सो दैट आप लोग देख के बताइएगा कि क्या है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जितने भी हैं यहाँ पे इस तरीके से एक ही रो में रखे हुए हैं ना, वो सारे डेलिया हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हैं, जो कि बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। एंड ये वाला देखिए बिल्कुल बेबी पिंक कलर में कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। एंड ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली भाई, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना। ये देख सकते हैं आप, ये कितने मतलब येलो है, डार्क पिंक है। एंड ये वाला भाई साहब ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही था, ये देख। एंड ये एग्जैक्टली आपको मशरूम टाइप में ही लगेगा, जो मशरूम का जो शेप होता है ना उस तरीके का ही है। इसका भी एग्जैक्टली नेम मुझे भी नहीं पता है। एंड ऐसे यहाँ पे कुछ मतलब मेंशन भी नहीं था कि कौन से फ्लावर है। ये देख सकते हैं आप, एनी जितने भी फ्लावर आप देख रहे हैं ना वो मतलब आप 90% कह सकते हैं कि वो सारे विंटर्स वाले हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो फ्लावर शो होता है वो विंटर्स में ही होता है, अब फैब के मंथ में होता है एवरी ईयर। उसी में लड़ाई झगड़ा सब हो गया इन लोग का, मेकी बॉन्स के भी हटा दिया। अभी हम लोग जाने वाले हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स भी रहते हैं ना अलग अलग। ये वो जाओ ये। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गार्लिक, अनियन एंड स्पिनच, मेथी वगैरह जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, चने का साग वगैरह, सब कुछ यहाँ पे उगाया गया है। अभी आपको थोड़ा सा मतलब जूम करके दिखाते हैं। इसके चारों तरफ जो है ना, एज यू कैन सी दैट कि पूरे नेट का जो मतलब सेफ्टी पर्पज़ के लिए बांधा गया है, ताकि थोड़ा सा सेफ रहे एंड कोई भी मतलब ऐसे हार्म ना कर सके। ये देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे इसमें चल। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो लोग मतलब अपने गार्डन में उगाते हैं, उसका एग्जीबिशन टाइप का यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा सा है। जितने भी ये फ्लावर्स रखे गए हैं ना बॉटल्स में, इससे क्या होता है ना, जो आपके फ्लावर होते हैं वो थोड़े दिन मतलब चल जाते हैं, मतलब वो मुरझाते नहीं है जल्दी, थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा आप इसे इस तरीके से मतलब जो फ्लावर हैं उनको सेफली रख, काफ़ी टाइम तक फ्रेश बना रहता है। यहाँ पे फिशेस हैं काफ़ी सारे,
बड़े बड़े भी हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा पार्टी, ये छोटे छोटे फ्लावर्स तोड़ के उनको खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप। एंड अभी आपको चलते हैं दिखाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो कि लोग अपने गार्डन में उगाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जितने भी पटेटोस हैं, रेड वाले जो पटेटोस होते हैं वो हैं। तो जितने भी हैं ना, वो सभी मतलब लोगों ने अपने गार्डन में उगाए हुए हैं। सो वही हैं। सो ये देख सकते हैं टमेटोज हैं, काफ़ी बड़े वाले हैं, मीडियम साइज़ के भी हैं। सो कैरेट्स हैं। सो ये देख सकते हैं आप। सो आप लोगों ने ब्लैक कलर का या डार्क मरून कलर में कैरेट्स अगर देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पे वो भी है, वैसे होता तो है डार्क मरून में कैबेज भी होता है, कॉलीफ्लावर वगैरह भी होते हैं। सो यहाँ पे ब्रिंजल्स हैं, कैबेज हैं, वो सारे जितने भी वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी ऑर्गेनिक हैं। सो ये देख सकते हैं बिल्कुल डार्क मरून ऊपर का जो पार्ट देखेंगे ना, सो ये आपको कुछ डार्क बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा, बट ये डार्क मरून टाइप में हैं। सो ब्रोकलीज हैं, ये देख सकते। सो ब्रोकलीज की जो खेती होती है किस तरीके से होती है, सो उसका जो व्लॉग है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड इसका आई थिंक, इसका मुझे नेम नहीं पता ये कौन सा है, बट ये कुछ सलजम या बीट टाइप का दिख रहा है, बट ये बीट नहीं है, आई डोंट नो क्या है। सो ऐसे ही यहाँ पे जितने भी टाइप्स के वेजिटेबल्स हैं वो सारे हैं, बीन्स हैं। सो ये है रेडिश मूली, मीन्स रेड वाला मूली, जो कि ये देख सकते हैं आप। अब चलते हैं, अब और कुछ देखते हैं कुछ नया। सो यहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं। एंड अभी जैसे ही आप एंटर होते हैं, सो वहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, ये भी सारे ऑर्गेनिकली उगाए गए हैं, सारे वेजिटेबल्स हैं। टमेटो है, ब्रिंजल है। सो ये देख, ग्रीन ब्रिंजल है। एंड बीट्स वगैरह भी लगाए गए हैं। सो फाइनली ये देख सकते हैं, ये आई थिंक चिरवा पालक या खट्टी पालक के नेम से ज़्यादा पे यहाँ पे कानपुर में फेमस है ये। मतलब इसके बारे में एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था, ये यहाँ पे मुझे कानपुर में आने के बाद पता चला कि पालक जो होती है टू टाइप्स की होती हैं, एक नॉर्मल पालक जो होती है वो, एंड एक चिरवा पालक आई थिंक कहते हैं। सो वो उसकी दाल जो होती है आई थिंक खट्टी टाइप की कुछ बनती है, वो थोड़ा सा खट्टेपन में होता है, इसीलिए उसको खट्टी पालक भी कहते हैं। सो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं अब डायरेक्टली घर की ओर। सो गाइस, यही छोटा सा ब्लॉग, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे, और ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था जो कि मैंने मंगाया हुआ था मीशो से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सो फटाफट से मैंने इसे ओपन कर लिया हुआ है। एंड मीशो से वैसे तो ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह हमारी होती रहती है, बट क्लोथ्स की जो शॉपिंग है वो मैं बहुत ही कम करती हूँ, बिकॉज एक दो बार मैंने ऑर्डर किया हुआ है। सो मेरे साथ थोड़ा सा मतलब जो एग्जैक्टली मैं जो ऑर्डर करती हूँ मुझे रिसीव नहीं होता, या तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है या तो कुछ अलग ही आता है।
एंड ये वाला जो पार्सल है ये देखने के बाद ना बिल्कुल दिल खुश हो गया। मीन्स इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इनके क्लोथ की, भाई साहब बहुत ही सुंदर सा है। सो ये है गाउन जो कि मैंने मंगाया हुआ था, एंड बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ मीशो अनारकली गाउन हॉल का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जैसा मुझे पिक में दिखा था एग्जैक्टली मुझे सेम वैसा ही रिसीव हुआ था, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। सो यहाँ पे हम लोग को शाम को लग रही थी छोटी मोटी सी भूख, सो यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद अब हम लोग को बना करनी है डिनर की तैयारी। सो डिनर में आज हमारे यहाँ बनने वाला है बहुत ही यमी यमी सा कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल्स कोफ्ता। सो यहाँ पे अब ये है कोफ्ता का जो इस तरीके का रोल है वो हम लोग ने बना के रेडी कर लिया है। सो ये है मिक्स वेजिटेबल्स कोफ्ता जो कि बहुत ही यमी बनता है। सो यहाँ पे मैंने अब इसे ऑयल में डीप फ्राई कर लेना है, एंड इसका जो फुल रेसिपी है वो मैंने जो कोफ्ते की रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। सो दैट्स वाई से छोटी सी क्लिप ले ली थी मैंने। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका जो कलर है ना ये बिल्कुल रेड टाइप में हुआ है, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें बीट भी मतलब डाला गया है। सो बीट की वजह से जो इसका कलर है वो पूरा इस तरीके से रेड हो गया है। सो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर